दिग्गज सिर्फ किसी भी कुर्सी पे बैठे रहने से नहीं होना चाहिए, दिग्गज काम से होना चाहिए। अब सोचना तो लोगों को है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है और जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी वो सब लंदन से ही पढ़ के आए थे। तो महिलाओं को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में लाना है तो इस वजह से मैंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा टिकट दी है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मुझसे सिर्फ इस वजह से पूछे जाते हैं क्योंकि मैं महिला हूँ। बिहार कोई रद्दी तो नहीं है कि इन लोगों को दे दे क्योंकि इनका मन है। मैं आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ। मैम, इतने बड़े बड़े दिग्गजों के सामने आप किस तरीके से खड़ी हैं, अभी तक डटी हुई हैं? दिग्गज सिर्फ किसी भी कुर्सी पे बैठे रहने से नहीं होना चाहिए, दिग्गज काम से होना चाहिए। और काम तो बांकीपुर में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा जी। सड़कें हैं तो इतनी ख़राब हालत में हैं, बीच बीच में गड्ढे हैं, नालियाँ हैं ही नहीं, पानी जब आता है तो इतने गंदे तरीके से लगता है। लगता ही नहीं है कि 2020 में रह रहे हैं, लग रहा है कि दुनिया पता नहीं कौन से 1960 में ही चल रही हो। तो मैं नहीं मानती कि दिग्गज हैं, अगर काम किए होते तो फिर मैं मानती कि दिग्गज होते। मैम, बिहार को बदलने के लिए तेजस्वी यादव भी हैं, चिराग पासवान भी, पप्पू यादव भी हैं, ये सब बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा दिग्गज हूँ, इन सब के सामने आप किस तरीके से काम करेंगे? देखिए, बदलने के लिए हैं कि नहीं हैं ये तो आप भी समझदार हैं, क्योंकि कोई भी नए नहीं हैं। बदलने के लिए का क्या मतलब है, आज ही तो नहीं अवतरित हुए हैं, सब पहले ही से ऑफिस होल्डर्स हैं। जितने भी नाम आपने अभी दिए हैं उसमें से क्या कोई भी नाम है जो पहले से ऑफिस होल्डर्स नहीं हैं? तो जब ये पहले इनको इलेक्ट किया गया है तो पहले तो ये हिसाब मांगना चाहिए कि आपने इतने दिनों में क्या किया। और तेजस्वी जी जो नया नया कहने लगे हैं कि 1,00,000 नौकरी देंगे पहले कैबिनेट में, तो पहला कैबिनेट तो उनका है भी नहीं, वो तो पहले 1.25 साल से ज़्यादा कैबिनेट में बैठ चुके हैं, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन के बैठ चुके हैं, 3-3 विभाग को के मंत्री रह चुके हैं, वहाँ पे तो उन्होंने कोई नौकरियाँ नहीं दी। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, कुछ भी किसी भी दिन ये लोग ऐसे ही सवेरे उठते हैं कुछ भी कह देते हैं और लोगों को लगता है कि लोग ये मान लेंगे, यू नो पीपल विल बाय इट। ऐसा नहीं है, अगर इनको देना रहता तो अभी तक मैं दे चुके रहते। मैम, बांकीपुर से आप चुनाव लड़ रही हैं और बांकीपुर से 3 साल से नितिन नवीन जी हैं, तो नाला का वहाँ समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है, आप किस तरीके से उसको सही करेंगे? सभी समस्याएं गंभीर हैं। अभी मुझे रास्ते में एक स्टूडेंट मिले थे, वो कह रहे थे कि हम लोग बाहर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और फिर कोई हॉस्टल नहीं है रहने के लिए। तो मुझे आप ये एक कोई चीज़ बता दो जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बांकीपुर कहाँ है, पटना में है, पटना कहाँ है, बिहार में है, क्या है, बिहार की राजधानी है, कैपिटल है बिहार का, उसमें बांकीपुर है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर 0 है, 0 है। मैंने अभी भी आपको कहा ना कि ये तो बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है कि 2020 में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जल जमाव हो रहा है। तो अब सोचना तो लोगों को है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे कोई अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको बनाने की ज़रूरत है। लोग चुनेंगे कि उनको कैसा विधायक चाहिए, मेरा काम ये था कि मैं उन्हें एक अच्छा विकल्प दूँ, मैंने उन्हें अच्छा विकल्प दिया है। और पता नहीं क्यों मुझे ये लगता है कि लोग सही विकल्प चुनेंगे। और ये भी कहा जाता है कि लोगों को वो चीज़ मिलती है जो वो डिज़र्व करते हैं, और मेरा बहुत हद तक ये मानना है और पूरे तरीके से ये मानना है कि अभी का जो बिहार है, अभी के जो युवा हैं और बाकी भी जो लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं वो अच्छा डिज़र्व करते हैं, इसलिए इस बार उनको अच्छा ही मिलेगा। मैम, बाकी दल बोलते हैं कि आप आई हैं बाहर से पढ़ाई करके, बस बिहार 2020 के चुनाव के बाद वापस से आप चली जाएंगी। इसमें दो चीज़ें हैं, ये जो भी लोग बोलते हैं उससे एक बात ये जाहिर होती है कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही बुरी है, क्योंकि थोड़ा सा इतिहास का ज्ञान होने की ज़रूरत है। जिस देश में अभी हम लोग सीना चौड़ा करके खड़े हैं, वो देश जो आज़ाद हुआ था, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, वो सब लंदन से ही पढ़ के आए थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, जय प्रकाश नारायण भी बर्कले से ही पढ़ के आए थे। तो क्या वो वापस चले गए? वापस तो नहीं गए, तो मैं भी वापस नहीं जाऊँगी। मैम, आप एक महिला हैं, मैं भी एक महिला हूँ, बोलने का मतलब ये नहीं है कि महिलाएं कुछ कम होती है किसी से, लेकिन बिहार में महिलाएं बहुत सुरक्षित है या नहीं है आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, तो महिलाओं के लिए आप किस तरीके से बिहार में सुरक्षा लाएंगी? देखिए, महिला होने की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो डिंडोरा पीटना कि मैं महिला हूँ, और दूसरा कि सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब क्योंकि मैं महिला हूँ तो जो समस्याओं को समझती हूँ। सुरक्षा की बात आपने कही, बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, हम ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे कि बच्चियों ने मुझे कहा है कि मेरी बड़ी बहन ने पढ़ाई इस वजह से छोड़ दी क्योंकि जब बाहर जाते थे तो ईव टीजिंग होता था, मैं नहीं छोड़ना चाहती। तो ये मैं सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ, और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो तरीके से आएगा,
एक तो महिलाओं को पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में लाना है, तो इस वजह से मैंने महिलाओं को बहुत ज़्यादा टिकट दी है, 50% देना चाहती थी, लेकिन महिलाएं राजनीति में नहीं आना चाहती, शायद फ्यूचर में आना चाहें जब मैं राजनीति को थोड़ा बदल पाऊँ। बहुत अच्छी महिलाएं हैं जो आई हैं, हमारे 45 महिला कैंडिडेट्स हैं। दूसरी जिसकी ज़रूरत है वो है आर्थिक अपॉर्चुनिटी की, जॉब्स देना पड़ेगा, चाहे वो जहाँ भी जॉब करना चाहें, घर में करना चाहें, बाहर करना चाहें, उससे उनका परचेस और बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, और जब ये दोनों बढ़ेगा तो उनको वो आवाज़ मिलेगी। तो मैं यहाँ पे महिलाओं का सब्सटैंटिव रिप्रेजेंटेशन करने आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अपने चीज़ नोटिस की होगी कि जब से मैं भी राजनीति में आई हूँ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो मिसोजिनी है लोगों के अंदर का, कुछ लोगों के अंदर का, वो अब बाहर निकल के आ रहा है। वो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मुझसे सिर्फ इस वजह से पूछे जाते हैं क्योंकि मैं महिला हूँ। उसमें भी लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम सबसे पूछते हैं, लेकिन वो सबसे नहीं पूछते, जो पुरुष हैं, जो पुरुष पॉलिटिशियंस हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। और बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि मैंने अभी भी आपको कहा दुनिया बहुत आगे निकल गई है और हम लोग अभी तक बहुत सारे लोग सती प्रथा मानसिकता में ही जी रहे हैं, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। ऐसे ऐसे देश हैं जिनकी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं 34 साल की हैं और अच्छा काम कर रही हैं। तो दुनिया बहुत आगे निकल गई है, ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपकी काबिलियत क्या है। और मेरा ये मानना है कि मेरा लिंग जो भी हो, मेरी काबिलियत तो बाकी जो भी यहाँ के नेता हैं उनसे ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ की हर महिला को मैं उतना ही काबिल बनाऊँ। मैम 15 साल नीतीश कुमार भी रहे, लालू यादव भी 15 साल रहे, तो अब बिहार को अनलॉक कैसे करेंगे? इन लोगों को हटा के नीतीश जी और लालू जी से, और जितने भी ये लोग आपने अभी नाम लिए हैं इस इंटरव्यू में, सब एक ही हैं। चाहे किसी भी पार्टी, किसी भी बैनर के तले वो कोई भी चुनाव लड़े, एक तो किसी का सिद्धांत नहीं है, कभी कोई किसी भी पार्टी में होता है, कभी कोई किसी भी पार्टी में होता है, सब अवसरवादी हैं। इन लोगों से बिहार को मुक्ति दिलानी है, क्योंकि बिहार में हम लोग भी हैं, है ना। बिहार कोई रद्दी तो नहीं है कि इन लोगों को दे दे क्योंकि इनका मन है या ये किसी परिवार में पैदा हो गए हैं। मेहनत करिए, जाइए, पहले संघर्ष करिए, संघर्ष करिए, सबसे पहले अपना परिवार का जो भी रिसोर्सेज है उसको छोड़िए, संघर्ष करिए, पढ़ाई लिखाई करिए। बिहार को बनाने की ज़रूरत है। दो तरीके की अशिक्षा होती है, एक असली अशिक्षा जो हमारे बिहार में इस वजह से है क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, गरीबी है, और वो इन लोगों की वजह से है। और दूसरी अशिक्षा ऐसी अशिक्षा है कि इनका मन नहीं हुआ पढ़ने का, इनको क्या ज़रूरत थी पढ़ने की, तो इन्होंने नहीं पढ़ा। तो यही है, अपने आप को ट्रेन करें। नीतीश जी का भी यही है कि और किसी से तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा उम्मीद नीतीश जी से ही लोगों को रही है, और उन्होंने हमें फेल किया है, तो ये बहुत ही दुखद है। और अब इन सभी लोगों से मुक्त कराना है बिहार को। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।